हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SHM कॉइन कलेक्शन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2 1 रुपए के सिक्के लाया हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 1 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं और ये दोनों ही अलग अलग कंट्री में बनाए हुए सिक्के हैं। तो दोस्तों, ये जो पहला सिक्का आप देख रहे हैं, ये हमारे देश का, इंडिया का 1968 में बनाया हुआ 1 रुपए का सिक्का है। इसे गांधी जी के नाम पे जारी किया गया था। इस पर आगे गांधी जी का फ़ोटो आप बना हुआ देख सकते हैं, 1 रुपया लिखा हुआ है। और अब दोस्तों, ये जो दूसरा सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 1948 में पाकिस्तान में बनाया हुआ 1 रुपए का सिक्का है। आप इसे कह सकते हैं कि ये पार्टीशन के बाद बनाया हुआ पहला 1 रुपए का सिक्का है पाकिस्तान के द्वारा। तो दोस्तों, अभी आगे मैं इन्हीं 2 सिक्कों की कीमत के बारे में बात करूंगा। तो ये जो पहला 1 रुपए का सिक्का है, गांधी जी वाला 1968 का, ये सिक्का दोस्तों आपको 50 से 100 रुपए के बीच में यूज़ कंडीशन में आराम से मिल जाएगा। जैसे कि मेरे हाथ में भी अभी यूज़ कंडीशन वाला ही है, इस्तेमाल किया हुआ, और UNC कंडीशन में है तो 100 से 500 रुपए के बीच में मिलेगा आपको दोस्तों। ये थोड़ा स्केयर होता है, जल्दी आसानी से नहीं मिलता UNC कंडीशन में, यूज़ कंडीशन में अभी भी मिल जाता है, इसीलिए थोड़ी सस्ती कीमत है। अब दोस्तों, ये जो पाकिस्तान का 1 रुपए का सिक्का है 1948 वाला, दोस्तों इसकी कीमत इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है। अगर इस तरह का इस्तेमाल की हुई कंडीशन में है, यूज़ कंडीशन में है, तो तकरीबन 100 से 150 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। और UNC कंडीशन में है तो डिपेंड करता है डीलर्स के ऊपर, कुछ इसे 500 रुपए में भी बेचते हैं और कुछ 1000 और 1500 में भी बेच रहे हैं UNC कंडीशन में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि UNC कंडीशन में ही सिक्कों की कीमत बढ़ती है, वरना वही 50, 100, 200 रुपए में आराम से इस तरह के सिक्के मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।